होता है एक दिन मारना सबने। दीदी हम तो फिर से लीजिए छोड़ इस हां आराम जेवा हां कहते सारा दाल कहते सारा कौन 75 साल के मेरे दादी 75। हमारे किचन का काम यहाँ पे लगा हुआ है। ले गई है ये अभी ले गई है। ये देखो रायता बांट रहा है। इसका रिएक्शन देखो। उसके तो पसीना निकल रहे, इसे फोटो खींचने की पड़ी है। जो हमारे दादी के कपड़े थे वो एक साइड पे रखे थे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता वगैरह, स्वागत है आपका मेरे एक कोने वीडियो के साथ। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब 9:30 बजे से, और अभी मैं एकदम रेडी सेडी हो गई हूँ और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है रास्ते से, जो कि अपने घर के मंदार की साइड से, मतलब मैं जा रही हूँ मंदार की साइड। तो दोस्तों आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम में मतलब एकदम गुमसुम है, तो चारों ओर बादल छाए हैं और धूप बिल्कुल नहीं है, गुमसुम है बिल्कुल। तो अभी ना थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है और बाद बाकी मेरी तैयारी हो गई है अभी मंदा आ जाने की, जो कि आप लोगों को बताया था ना मैंने कि मेरी दादी जी गुजरी है, तो वहीं जा रही हूँ मैं आज, क्योंकि पता है ना हमारे यहाँ 12-13 दिन बाद तेरी होता है और तेरी में जाते हैं, मतलब जैसे ही अलग अलग किस्म का होता है, कोई बुलाते हैं कोई नहीं बुलाते करके, तो मेरी ताईजी और उन्हें ना मुझे बुलाया है तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा। वैसे तो मैं मम्मी को बोल दिया था मैंने कि मैं नहीं आऊँगी, मम्मी ने बोला कि आना तो पड़ेगा तेरे को बोल रही है बोला करके, तो इसलिए जा रही हूँ मैं। तो चलिए जी चलते हैं, आज दिखाते हैं आप लोगों को कि मंदार में कैसा कैसा हो रहा है। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं कठोर में और हम ना गाड़ी में आए भैया जी के, और भैया जी वैसे भतीजे लगते हैं लेकिन हमसे काफी बड़े हैं, तो ऐसा लगता है भतीजा बोलना मतलब अजीब सा लगता है। तो यहाँ से हमारे गांव पहुँच गई मैं भी अपने प्यारे से धारे में, और मेरी सिस्टर यहाँ पे आ रखी है और उसकी दोस्त ये है बबीता, तो ये आ रखी है कपड़े धोने, सरोजनी ने तो धुल दिए पापा के कपड़े ला रखे इसने हैं। तो मेरे को ना मैं यहाँ पे बैठी और मेरे को ना एक मंदिर दिखाई दिया नीचे खेतों में देख सकते हैं आप, और वहाँ का नाम ना हम यहाँ हौड़ बोलते हैं जो भी करके हैं ऐसे करके बोलते हैं, और वहाँ पे ना माँ चंपा देवता का मंदिर बनाया है आज ही कल बनाया, और कल से ना बोल वहाँ भंडारा भी है ये करके सुनने में आ रहा है। सरोजनी बोल रही ये दोनों बोल रही दोस्त ना हम भी गए बोल वहाँ मतलब साने मतलब जब आया होगा ना समीन सरे आए करके आया होगा ना बजरी वगैरह करके, तब ये भी गए थे बोल वहाँ साने के लिए, क्योंकि होता है ना जब मंदिर बनता है तो सब जाते हैं गाँव वाले एक कट्टा हो चाहे दो कट्टा डालने ऐसे करके जाते ही जाते हैं। तो बाद बाकी मम्मी और तो घर ही होंगे, पापा भी घर ही होंगे, और सरोजनी देखो ब्रुश से पैर को धुल रही है, पहाड़ में ऐसे ही चलता है ना सब कुछ। ये ना कपड़े धुलने भी आए ब्रुश बारुश करने, रोटी राटी खा खुके ना अभी ब्रुश कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है दोस्तों हमारे यहाँ पहाड़ में ऐसे ही करते हैं, जब मर्जी तब रगड़ो ब्रुश को। सुबह मॉर्निंग में तो टाइम लगता नहीं है काम करते करते, है ना सरोजनी। पैर फट गए उसके देखो। हाँ हमारा काम भी लगा है किचन का, तो आप लोगों को एक किचन भी दिखाते हैं कितना काम हुआ हमारे मायके का। एक मिडिल क्लास फैमिली का छोटा सा किचन देखने को मिलेगा आपको। हमारा गौशाला तो उधर है ना, हम बचपन में ना यहाँ डिग्गी में आते थे, पहले ना यहाँ पे छोटी सी डिग्गी थी, छोटी सी मतलब इससे छोटी थी, अब तो ना बहुत बड़ी बन गई है ये, बहुत बड़ी। कब बनी थी सरोजनी, कितने साल में बनी थी, तब तो मेरे साथ भी नहीं हुई थी, उससे पहले बन गई थी ये 20 साल हुई थी। हाँ तो उससे पहले ना छोटी छोटी थी ये डिग्गी, और पहले ना हम यहाँ पे ज्यादा खेल होता ना उसे खेलते थे और बहुत सारे रहते थे, और इस डिग्गी में ना बहुत सारी बचपन की यादें हैं। हम ना घर घर पे जल और घर पे ना नल हो गए हैं, तो इसलिए ना यहाँ पे ठीक ही ठाक पानी रहते इतनी मात्रा में, और पहले ना हमारे इतनी बर्तनों की भीड़ लगी रहती थी ना वहाँ से यहाँ से और सीधा वहाँ तक लगी रहती थी, पहले बर्तनों की भीड़ एक एक करके नंबर आता था किसी का ना
बर्तन अभी ला दिया, किसी घर का सुबह तक नंबर आता था ऐसी हालत रहती थी पहले पानी की, अब यहाँ बराबर पानी है लेकिन हमारे गोल्डानी में ऐसे ही हाल है। पहुंच गई मैं अपने घर में और मेरी दादी देखो, अब मेरी दादी की बारी भी मैं ठीक तो हाँ ठीक मैं ये वही थे दिठानी तेल कोई बल बेचार का मेरा अपने बनो या मैं बै फिर तेल अपने बनो भाई। मेरी दादी को भी बुखार आ रहे तो मेरी दादी भी मानने वाली हो बहुत जल्द है दादी मानने में लगी हो भाई सो काद बेटी मैं तुम मैं कते साल है दादी कते साल है तेरे बाबा ने साल होता था है पापा है मेरे ते साल पता आसिमा थे पांच बस मेरा है आसिमा पांच 75 साल के मेरे दादी 75 साल। हमारे किचन का काम यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे बनने वाला हमारा छोटा सा किचन है, देखो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं बनने वाला, ये छोटा ही बनने वाला है। तो यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे छोटा सा किचन बन रहा है और मेरे पापा जी ना नीचे ना तेरे का खाना बना, तेरे ही बोलते है ना सरोजनी, तो तेरे का खाना बन रहा वहाँ पे मेरे पापा जी भी है और पापा जी अभी नहीं है खेत में, देखो उस वाले खेत में बन रहा है। मेरे शादी का खाना भी बना, सबकी शादी का खाना बनेगा, सरोजनी की शादी का खाना भी उसी खेत में बनेगा। हाँ फेरा पहने की बेदी, फेरा पीने की बेदी, हाँ वही फैक्ट्री मेरी। मम्मी का और सरोजनी और मैं रोटियां बना रही हैं और नीचे आ गए हम, ये देखो इतना आटा लगाया है और रोटियां बना रही हैं। और सुधी देखो यहाँ पे फोन देख रही है, ये मेरी मामा की लड़की की लड़की है सुधी, इधर दे इधर दे देख। हाँ और लोग ना सब तो खुद बैठे हटी था और हम पहले रोटियां बनाते हैं और मैंने सोचा मैं फालतू बैठी हूँ तो मैं भी इनकी मदद करती हूँ, है ना अमीरा, क्यों ना तुम्हारी मदद हो जाए। रोटियां भी बन चुकी है हमारी और अम्मी का ये हमारी बुआ जी है, दीदी जी है जो कि मेरी वीडियो वाली डेली देखती है। ले दीदी हेलो तो करो, देखो ये मेरी बड़ी जी है, ये मेरी, ये मेरी क्या है, क्या है तू मेरी है बहन जी, क्या है तू मेरी बड़ी किलो नवाज़े किलो दोस्त, ये चाहती कि मैं उसे ना नमस्ते करूँ पर बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तेरे लोग का किधर, तेरे बीड़े बड़ों में आया चलियो। हाँ मस्त यारों के थोड़ा बाहर और यहाँ पे ना सारे फल फ्रूट के पेड़ है ताऊजी औरों के, और यहाँ पे ये पुलम का पेड़ है, फिर इसके पीछे भी पुलम का पेड़ है, ये भी यहाँ पे पुलम पे हो, इधर पुलम होते हैं और उधर की साइड ना सेब के पेड़ भी हैं कुछ कुछ, मतलब उन पे भी ना काफ़ी सारे सेब आए हैं और पुलम के पेड़ भी ना बहुत सारे पुलम आए हैं। तो चलिए जी अब मैं भी अंदर चलती हूँ क्योंकि लगे हैं वो भी अंदर आप बोला करके क्या आप फ़ोन पे लगे, क्योंकि मैंने ना एडिट नहीं किए थे ना मैंने कल, तो इसलिए मैं एडिट करी थी अभी तक। चीज़ के पेड़ पौधे यहाँ पे अखरोट हो गया, सेब हो गया और क्या बोल माल्टे हो गए, सब पुदीना और फूल के पौधे भी लगाए हुए हैं और गाजर के, और यहाँ पे ना मिर्ची क्यारी है, मिर्ची और गोभी क्यारी है पटी जी और उन्हें खाते हैं आप लोगों का ऊपर ना लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने भी लग गए हैं और खाने में तब दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या है जब मैं जाऊँगी। फोटो को देखो, ये देखो क्या खा रहे हैं, ये पोलम देखो अभी से खाने लग गए, मरेंगे तुम इस खट्टे से, मैं भी खाती खा के मरेंगे ऐसे, तो मैं भी खाती थी लेकिन मेरा बच्चा छोटा नहीं खा सकती हूँ यार मैं। चलिए जी ये बोल दो पहले हम चोर चोरी करने कुटरे के कुटरे, ये तब तब तक ये सो ही रहती थी हम तब तक इसका नाम कीर्तली रखा था, इसका नाम मैंने लहंगा रखा था और इसका नाम जो क्या रखा है लहंगा ही है, ये अभी लहंगा ही है, सबका नाम मैंने रखा है, मेरा नाम भी है कुछ पर तुमको नहीं बता सकती हूँ मैं बता तो क्या करें यार दोस्तों, बचपन का ही ना कोई नाम, तुझे अपनी YouTube पे आईडी वही खोलनी चाहिए थी, मच्छर नाम मच्छर राम, तब तूने ज्यादा फेमस होना होंगी यार टाइम पर, टाइम आने पर फेमस भी होंगी। नहीं अभी कुछ नहीं है, हो गई अभी कुछ नहीं है,
तो देखिए दोस्तों, उस पे हलवा है प्रसाद, और उस पे भात है, उस पे दाल है, और वहाँ पे ना रायता बनाया है। ये रायता है कटोरे में, और बाद बाकी यहाँ की साये ना खाने बैठ रहे खाना खाने, और हम भी खाते खाना। ये देखो, ये छोटे से हमारे सिस्टर है, और जब ना मेरी शादी हुई ना तभी की है ये, उस टाइम की, उसे भी ना 4 साल लगा है। और ए देखो कोई थाली लेके, कोई पत्ता लेके बैठेंगे वे। मैं खा रही हूँ, हमारा थुपड़ा बुआ, इसने मेरा ये हाथ बांध रहे तो ये देखो रायता बांध रहा है। तो दोस्तों अभी ना लेडीज लोग पहले खाओ सर जी, हमने तो खा लिया, बाद बाकी के पूरे बैठ रखे अभी खाना खाने। ये देखो लेडीज लोग बैठ रखी है अभी, तो यहाँ पे तो खाते रहेंगे भाई। हमने खाना खा लिया है, और जो कि अभी स्कूल बच्चे आ रहे हैं ना, वो अभी खाना खा रहे हैं ना, जो कि स्कूल बच्चे आ रहे हैं ना अभी, ये देख सकते हैं। और अभी सब बैठे हैं यहाँ पे, देखो अपने अपने दोस्त पकड़ रखे बैठने के लिए। देखो देखो इनकी फोटो शूट हो रही, इसका रिएक्शन देखो, खड़ो दोनों भाई बहनों की लड़ाई हो रही है। लड़ाई बोला, ओ बोला मेरे साथ फोटो खींचो, बोला पहले उसके तो पसीना निकल रहे, इसे फोटो खींचने की पड़ी है। पंडित जी को खाना खिला रहे हैं दीपावर, तो मैं चलती हूँ तब तक ऊपर। वहाँ पे पंडित जी खाना खा रहे हैं, नीचे भी सब लोग बैठ रखे हैं, आराम आराम से अपनी अपनी गपोड़ी लगा रहे हैं। और मेरी मम्मी भी झुंड यहाँ पे भी बैठा है, और अपने अपने दोस्त है बस। आप ये देखो इसके दोस्त, ये देखो क्या लटक रखे है ऐसे, ये देखो हैं क्या हो रहा है भाई। अब कुछ महीनों बाद ना मैं इनका ही ब्लॉग बनाऊंगी भाई इधर। देखो ये था मेरी दादी का कमरा, जो गुजरे है ना उनका कमरा था ये, अब ऐसे ही बिखरा पड़ा है। इस तरह से होता है, एक दिन मरना सबने, इसने भी मरना है, उसने ना ना मैं तो अमर हूँ, मैंने भी मरना है, तो ऐसे ही होता है। जैसे कि अभी तक ना पूरे जो हमारे दादी जी के कपड़े थे वो एक साइड पे रखे थे, और कपड़ा फट के चला जाएगा, इंसान चला जाएगा। उनमें से मतलब जो अच्छा था उनकी बेटियों को दिया, तो ऐसे करके हमारे यहाँ होता है, खानी है। लेकिन इसी तरह से करते हैं हमारे यहाँ, जो मतलब हिस्सा आता है खेत से लेकर कहीं भी तक, ऐसे करके करते हैं। तो चले जी बुआ, तो पक गए जाने, और अब मैं भी जाती हूँ, क्योंकि अभी दीदी जी नहीं आई जो मेरे साथ सुबह गई थी, और मेरा नेट खत्म हो जावा आराम जेवा। करके करते हैं, तो अभी तक ना बारिश भी हो रही थी थोड़ा बहुत, और आसमान भी खराब ना, 4:30 हो चुका है, और अब मेरी तैयारी भी हो रही है। दोस्तों चलने लग गई हूँ मैं घर, और मेरे को मिली है यहाँ पे दो प्यारी प्यारी बच्चे, जो कि पानी ले जाते हुए, ये है मेरे सासू जी की लड़कियाँ। इधर देख आरो से देखती हो मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आरो से देखे हम ब्लॉग, हाँ जबरदस्ती। तो ये लेके जा रही पानी, बोल रहे हैं मजा आ रहा, बोल पानी ले जाने में, मैंने कहा मजा आ रहा तो हमारे घर में आना, और हमारे घर के लिए लेके आना पानी, है ना दोस्तों। हवा भी होने लग गई है थोड़ा थोड़ा, सिर्फ तूफान ही आना चाहिए भयंकर वाला, और यहाँ ना बहुत ज़्यादा तूफान आता है, हवा होती है, हवा होती है, देखो पूरे चुन्नी चानी इधर उधर हो रही है, और पीछे से ना धीरे धीरे मानो वो लेके आ रही नली न्यार लेके आ रही, जो हमारा
गेहूँ होता है ना और उसके बेर उसके पौधे होते हैं, तो उसे लेके आ रही है। तो बहुत ज़्यादा हवा होने लगा है, लगता है ना हवा भरती जाएगी। और आजकल ना बहुत लाल लाल हो रखा है पूरा इधर उधर का जगह, क्योंकि पूरा जो सोता है ना पेड़ से ना हो झड़ चुका है। ये देखो लाल लाल हो रखा है जंगल, पेटों में झड़ गए हमारा। ये देखो गाड़ी भी आ रही है जा रही है, और उधर देखो हमारे घोलानी है ना मेरे को देख रहे होंगे, उधर पूरे आ रखे भयंकर की नट चलाने के लिए। देखो दोस्तों वहाँ पे ना सारी कोण की है गोल्डानी की प्रॉब्लम है नट की, तो हम तो वहाँ कहीं आ नहीं सकते हैं। इधर की साइड में आती नहीं हूँ, और जब डांड रहते हैं ना तब तो मैं आ जाती हूँ बुरा बैठा में। कब की कौन गई थी, और उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा क्यों होता है ना बच्चों के साथ ऐसा ऐसा करके काम होता है, तो इसलिए ना ब्लॉग ही नहीं कर पाए। तो अभी कर रहे हैं, अभी कर रही है हम फिर ब्लॉगिंग, क्योंकि जब यहाँ से मंदार से आई हूँ, और उसके बाद ना अरे पापा को कॉल आ गए, तो और उसके बाद होता है खाना पीना, और उसके बाद ये दोनों नीनी आ गई। अभिषेक नीनी आ रही है आपको। चलिए जी आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।